बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। हमारा आज का टॉपिक है अकार्बनिक बेंजीन। बच्चों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं। बच्चों बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं अकार्बनिक बेंजीन के बारे में। बच्चों जैसे कि आपने देखा स्टेटमेंट है बोरोन का चक्रीय यौगिक, ठीक है, बोरोन का चक्रीय यौगिक जिसका नाम है बोरेजीन, इस बोरेजीन नामक बोरोन के चक्रीय यौगिक को हम कहते हैं बच्चों अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस प्रश्न को पूछने का एग्जाम में जो तरीका है वो कुछ अलग तरह से भी हो सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोरेजीन को अकार्बनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है या अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं या बोरेजीन को समझाइए, तो बच्चों आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ के रखना है कि अकार्बनिक बेंजीन जो है वो बोरोन का एक चक्रीय यौगिक है, ठीक है, जिसका जिसका नाम है बोरेजीन। तो बोरेजीन बोरोन का जो एक चक्रीय यौगिक है इसको हम अकार्बनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बहुत संक्षिप्त में समझिए, मैंने इसके निर्माण का रासायनिक समीकरण भी आपके सामने रखा हुआ है। बच्चों डाइबोरेन है ना, अमोनिकल जो डाइबोरेन है इसके कम से कम तीन अणुओं को लेकर अगर हम 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, इसको अगर हम गर्म करें तो बच्चों उससे बोरेजीन नामक ये यौगिक जो प्राप्त होता है और हाइड्रोजन की जो मात्रा वो उससे क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये जो पदार्थ आप देख पा रहे हो ना बच्चों, इस पदार्थ को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है, इसको हमने अकार्बनिक बेंजीन कहा हुआ है। तो बच्चों इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना मैंने आपके सामने रखी हुई है। इसकी संरचना में आप देख सकते हैं जैसे B3 N3 है ना H6, यानी तीन बोरॉन तीन नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर बोरेजीन यानी अकार्बनिक बेंजीन का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बच्चों सेट करके रखना है और समझना है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर जो संरचना है आपके सामने, वो संरचना ये हमारे पास एक बोरोन का मॉलिक्यूल है, ये एक अनदर बोरोन का मॉलिक्यूल है बच्चों, ये एक अनदर बोरोन का मॉलिक्यूल है। प्रत्येक बोरोन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ, आप देख सकते हैं इस तरह से, प्रत्येक नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन और प्रत्येक बोरोन पर एक हाइड्रोजन का परमाणु भी इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसकी जो संरचना ये बिल्कुल बेंजीन के सदृश है। अगर आप बेंजीन के बारे में जानना चाहें तो मैं बेंजीन की संरचना जल्दी से आपके सामने रखता हूं कि बेंजीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं का एक किस तरह 6 कार्बन परमाणुओं का एक हेक्सागन होता है बच्चों, ठीक है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन का परमाणु इस तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन पर। और बच्चों बेंजीन में एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध इस तरह से जुड़े होते हैं। तो चूंकि यह संरचना बेंजीन की है, इसी से मिलती जुलती संरचना बोरेजीन की है और इसीलिए हम इसको अकार्बनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों जो अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक मैंने आपके साथ लिया हुआ है, वो टॉपिक है डाइबोरेन। बच्चों डाइबोरेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है B2H6। ठीक है बच्चों, डाइबोरेन का रासायनिक सूत्र है B2H6। मैं आपको जल्दी से इसके लिए जो मैंने प्रश्न ले रखा हुआ है वो आपको प्रश्न आपको बता दूं। बच्चों मैंने जो आपके लिए प्रश्न लिया हुआ है वो प्रश्न है कि B2H6 यानी जो डाइबोरेन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, क्यों, समझाइए। आपको मुझे बताना है कि जो डाइबोरेन मैंने लिया हुआ वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्यों है, हम उसको क्यों बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। बच्चों मैंने आपको नीचे डाइबोरेन की संरचना भी दे रखी है, ये डाइबोरेन की संरचना है। इसी संरचना को लेते हुए मैं आपको ये कारण जो है वो स्पष्ट करने वाला हूं, तो बच्चों जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों डाइबोरेन का जो अणु सूत्र है वो है B2H6। ठीक है, B2H6 में बच्चों BH3 की दो मोनोमर इकाइयां शामिल हैं।
मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझिए। मैंने कहा है कि B2S6 डाइबोरेन में BH3 की एक नहीं बल्कि दो दो मोनोमर इकाइयां शामिल हैं। मतलब यहां पर BH3 दो तरह से दो मोनोमर जो हैं वो मिलकर B2S6 बना रहे। देखिए किस तरह से बच्चों, एक बोरोन ये है, इससे जुड़ा हुआ एक एच, फिर इससे एक और एच जुड़ा हुआ है, फिर इससे एक एच जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया एक BH3। बच्चों इसी तरह से एक BH3 कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये भी एक BH3 है। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बोरोन जिसका कि परमाणु क्रमांक 5 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3, तो इसके अंतिम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो अधिकतम संयोजकता है वो 3 है, और वो ऑलरेडी बच्चों 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़कर एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजक बंध के द्वारा ऑलरेडी क्या हुआ है बच्चों, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि यहां पर इन दो बोरोन परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उपलब्ध नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन दो बोरोन परमाणुओं को जोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों बोरोन कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये कभी भी B2S6 का निर्माण नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमने यहां पर बोला है कि B2S6 एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ये इसलिए है बच्चों क्योंकि यहां पर जो BH3 इकाई है, एक इकाई ये है और एक इकाई ये दोनों अलग अलग मोनोमर है, तो बच्चों इनको जोड़ने के लिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उपलब्ध नहीं है, और यही वजह है कि हम B2H6 को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तो फिर ये जुड़े कैसे और कैसे B2S6 बना। तो बच्चों अब हम इस टॉपिक पर लौट आते हैं, तो ये चीज अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता की तुलना बोरोन से करते हैं तो ये देखते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में बोरोन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, और यही वजह बच्चों कि इनके साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा बोरोन परमाणु पर शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जोड़े होंगे ये सभी बोरोन परमाणु पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही BH3 परमाणुओं के। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े बोरोन परमाणु पर शिफ्ट होंगे तो इसकी एक नई जो स्थिति दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, एक बोरोन, फिर बच्चों एक एच, ये इससे जुड़ा दूसरा एच, फिर ये इससे जुड़ा हुआ तीसरा एच, बच्चों एक दूसरा बोरोन, फिर इससे जुड़ा हुआ एक एच, फिर इससे जुड़ा हुआ एक एच, और इससे जुड़ा हुआ एक और एच। बच्चों अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा बोरोन पर शिफ्ट होगा तो बोरोन पर आंशिक रूप से ऋणावेश जबकि हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, सभी बोरोन पर ऋणावेश और जितने भी बोरोन परमाणु होंगे सभी पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे। बच्चों अब क्या होगा, ये जो बोरोन का परमाणु जो निकटवर्ती हाइड्रोजन के संपर्क में होगा ये क्षणिक आकर्षण बल के द्वारा इस बोरोन से आकर्षित हो जाएगा और उसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो बच्चों यहां पर समझने वाली बात यह है कि दो परमाणुओं को जोड़ने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं था लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर, है ना, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर वो B2H6, यहां पर ये B2H6 का निर्माण सरलता से कर लेते हैं। बच्चों यहां पर ये जो बोरोन के परमाणु हैं ये कहलाते हैं सेतु हाइड्रोजन और ये कहलाते हैं सिरे के हाइड्रोजन। तो बच्चों इस तरह से ये B2S6 का निर्माण करते हैं जबकि B2S6 वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। बच्चों ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। इसी तरह बच्चों कुछ और भी वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।